नमस्कार, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विरप्पन डेंजर जोन, एक ऐसा सेगमेंट जहां पे हम आपको आगाह करते हैं ऐसे शेयरों के अगेंस्ट जो फंडामेंटली और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एक लार्जर कंसर्न्स में है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दो शेयर्स का नाम बताया था, इपका लैब और मैरिको, और यहां से लेके संदीप तीसरा स्टॉक और आप कौन सा हाईलाइट करेंगे। इसके पहले राजेश ने भी इनफैक्ट सेल की कॉल दी हुई है, और तीसरा स्टॉक कौन सा आप हाईलाइट करेंगे संदीप? देखिए मनोज, तीसरा शेयर जो है वो मिड कैप आईटी क्षेत्र की कंपनी है एग्जावे। डेंजर जोन में पहले भी हाईलाइट किया गया, अब भी जो लार्जर कंसर्न्स हैं इस कंपनी को लेकर बने हुए हैं। Q1 में अगर आप नंबर्स देखें तो निराशाजनक रहे थे। इनके दो मेन सेगमेंट्स हैं एनालिटिक्स और साथ ही साथ BFSI। इन दोनों सेगमेंट्स में अगर आप देखें खराब प्रदर्शन देखने को मिला था। यही कारण है कि एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि जिस तरह से Q1 में नंबर खराब रहे हैं, पूरे साल के लिए इस कंपनी का जो गाइडेंस है वो अब उसे हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस कंपनी के लिए। एक तो इस कंपनी का प्रोजेक्ट बेस्ड कारोबार है, और वैसे भी जितना क्लाइंट कंसंट्रेशन है इस कंपनी का, कुछ एक चुनिंदा ग्राहक है जिनके ऊपर इस कंपनी का कारोबार काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, यानी कि कई कुछ चुनिंदा क्लाइंट से ही कारोबार का बड़ा हिस्सा इस कंपनी का आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए ये दो बड़े रिस्क है जिसकी वजह से आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में ये कंपनी देखने को मिल सकती है। इस साल अगर आप देखें पिछले साल के बराबर जो मार्जिन है वो हासिल कर पाना अब कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि Q3 और Q4 में जो हाई वीज़ा कॉस्ट है उसका इंपैक्ट इस कंपनी के नंबर्स पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाएगी, और वैसे भी जो ग्रोथ के गाइडेंस इन्होंने बता रखे हैं उसको हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी उनका एलिस का ऐसा मानना है कि इंफोसिस और एससीएल टेक के मुकाबले अगर आप देखा जाए इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी महंगे हैं। एससीएल टेक और इंफोसिस अगर आप देखें बेलवेदर्स हैं, एस्टैब्लिश कंपनीज हैं जिनके मार्जिन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, उनके मुकाबले देखे हो तो इस कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बेटर नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यूएशंस पे फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। FY17 का अनुमानित EPS अगर आप देखें 15 रुपये के आसपास का, उसके मुताबिक देखें 14-14.5 के आसपास के PE मल्टीपल पर फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, जो कि एनालिस के मुताबिक देखा जाए महंगा माना जा रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह के कंसर्न्स हैं शायद आने वाले समय में प्रेशर देखने को मिल सकता है। और राजेश, बट येट अनदर कंपनी वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स, दो वर्टिकल्स में ऑपरेट करता है एनालिटिकल एंड BFSI, और यहाँ से लेकर मार्जिन पे भी लार्जर कंसर्न्स, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में एग्जावेयर पर आपकी क्या राय? देखिए स्टॉक जो है 70 रुपीज़ से इसमें रैली बनी थी और अबाउट 335 तक गया था, उसके बाद एक मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड में है। जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव स्टॉक पे नेगेटिव है, मुझे लगता है 190 तक के स्तरों पे अभी हाल फिलहाल में ही आ सकता है, और अगर वो टूट जाता है किसी कारण से तो 170-175 का भी शेयर में आप स्तर देख सकते हैं। मोर ओवर जो इसमें एक मेजर ट्रिगर रहा है सारे समय वो ये था कि मैनेजमेंट का चेंज और आई थिंक कंपनी का खुद का एक्विजिशन का नज़रिया था, जिसके कारण स्टॉक में ये ट्रिगर था। अब वो ट्रिगर खत्म भी हो चुका है, तो आई थिंक जैसे कि आपने बताया वैल्यूएशंस डिसअपॉइंटिंग है, टेक्निकल पिक्चर भी कोई खास नजर नहीं आती, तो 190 से 175 तक का स्तर छू सकता है।